লাক্ষ্মী কেউ না তবে একমাত্রই মেঘলাই, যদি তোর লাক্ষ্মী কেউ না दोस्तों। मेरी प्रीवियस वीडियो पे ऑलमोस्ट 16 टू 17 कमेंट्स आई गॉट फ्रॉम इंडियन आर्मी सोल्जर्स, नागा सोल्जर्स, और एवरीवन वाज वेरी काइंड टू मी एंड थैंकिंग मी फॉर दैट वीडियो। बट आई कैन सी द पेन, आई कैन सी दैट थिंग इन देयर कमेंट। मैं समझ सकता हूँ सर आपको क्या फील हुआ होगा जब आपने ऐसा सुना। सर मैं हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के आपसे सॉरी बोलता हूँ कि आपको ऐसे डिस्गस्टिंग वर्ड्स सुनने को मिले। आई एम सो सॉरी। और टॉकिंग ऑल दो शेट इज वेरी इजी, बट फाइटिंग फॉर आवर कंट्री एंड स्टेइंग ऑन द बॉर्डर्स आर वेरी डिफिकल्ट। सो आई सल्यूट यू सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Now let's talk about the Hema Chaudhary। पहली बार मैंने उसकी एक कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें मुझे ऐसे लगा कि उसने रियल में दिल से कुछ बोला है, ईगो वगैरह सब साइड रख के। उसने जिस तरीके से सॉरी बोला, मुझे तो वो फील कर गया कि हाँ उसने रियल में, उसको कुछ किसी की बात तो टच हुई है और उसने सॉरी बोला। आई डोंट नो हाउ यू गाइज विल गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट। I have no idea because you are the one to whom she said all those things. But for me, that chapter is closed. I'm not going to talk about Hema Chaudhary anymore. लेकिन कल उसने एक बात बोली थी कि उसे नागालैंड के कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो मैं बताना चाहूँगा, मुझे भी नागालैंड के कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं भी नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारी रिसर्च कर रहा था। आर्मी के बारे में मुझे पता है, ट्राइब्स के बारे में पता है, लेकिन मुझे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जाननी थी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो सेंड की और उसने मेरे से बोला, अमित इस वीडियो को अभी मत देख, इस वीडियो को ना आप लोगों के साथ देखना, मतलब जस्ट रिएक्ट ऑन दैट वीडियो। उस वीडियो का नाम है वॉइस ऑफ नागा एज वन। सो लेट्स गो हैड एंड रिएक्ट ऑन दैट वीडियो। Shang So Shen
যদি তোর রাসনে কেউ না তবে একলা চলিবে রে, যদি তোর রাসনে কেউ না তবে একলা চল রে, একলা চল, একলা চল, একলা চল, একলা চল। আমি নেপালি সিরাও চালি, कितने लकी हो तुम लोग यार, हाउ लकी यू गाइस आर। मतलब तुम लोगों को ये सब वहाँ पे यार, तुम्हारा ट्राइब कल्चर एवरीथिंग यार कितना सुंदर है यार। मैं एक बात बोलूँ, ये वीडियो हेमा चौधरी को दिखाओ, सबको दिखाओ, इसको देखो यार, कितना ब्यूटीफुल, कितना कूल। आई लव दिस वीडियो यार, क्या वीडियो थी, मजा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं बचपन में जब छोटा था ना, तो हमारे स्कूल में प्ले वगैरह होते थे एनुअल फंक्शन पे, और उसमें हमें ड्रेस ऐसे मिलती थी, इतना मजा। कोई पहाड़ी डांस कर रहे हैं, एसमीज डांस कर रहे हैं, मतलब इतना फन होता था। और आप लोगों के वहाँ तो कल्चर है, मैंने सुना है कि वहाँ सबसे ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं नागालैंड में, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल। एक अलग कूल एनवायरनमेंट नहीं होता वहाँ की, खूब मजे आ रहे हैं सबको बहुत यार, सीरियसली। और एक हमारी लाइफ है यहाँ पे, जॉब करो, जॉब से आ जाओ। मुझे तो ऐसी लाइफ पसंद है बहुत, आई लव इट।
मौका लगाना, अगर ये कोरोना वायरस से बचा तो एक बार नागालैंड जरूर आऊंगा। मुझे देख के मजा आ गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत मजे करते होगे वहां पे। जिस तरह आपकी इतनी सारी ट्राइब्स हैं यार, वहां पे पंजाबी भी रहता है, वहां पे नेपाली भी रह रहा है, बिहारी भी रह रहा है, तेलुगु भी रह रहा है, राजस्थानी भी रह रहा है, सब लोग रह रहे हैं यार वहां। और सारे जगह घूमने की कोशिश करूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अगर दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करो और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो।